किस चीज की सहपा है? मैं जिसमें अंगार डालते हैं ना अंगार। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरे को रोटी नान सब आता है मेरे को। ये बात मैं कम सिर्फ कमिंग कमिंग सिर्फ एक नया लड़का आया इंटरव्यू के लिए तंदूर में से। कहाँ से आए हो? सर मेरे गांव से लाया मुझे। अच्छा आपने बुलाया? जी सर। आप भेज दो उसको अंदर। मैं कम भीतर मैं कमिंग भीतर है नहीं यहाँ छाती के ऊपर बैठ जाओ ना तो बोलो मैं कमिंग भीतर। बाहर जाओ फिर बाहर जाओ। नहीं कहाँ से आया? मैं घर से आया। अरे सभी घर से आते हैं भाई, पर तुम यहाँ कहाँ से आए? गाड़ी से आए सर। गाड़ी से कहाँ से लाए वो देवा इसको? अरे तेरे गांव कहाँ है? सर वो उत्तराखंड में है सर। अच्छा उत्तराखंड में। हाँ। तो किस चीज़ की सहपा है? मैं जिसमें अंगार डालते हैं ना अंगार। अंगार डालते हैं? अनार किस में डालते हैं? अनार नहीं सर वो अंगार है। अंगार ही बोल रहा हूँ मैं। अंगार क्या होता है? जो चलता है जो जलते है तिरंग होता है तिरंगा तिरंगा होता है। अच्छा तंदूर में? हाँ सर वही। हाँ वो ऐसे गोदा रहता है उसमें गुहार रहता है गुहार। अच्छा मतलब गोरी। अच्छा क्या बोलते सर वही है। हाँ वही है समझ गया मैं। तुम कहाँ से? इससे पहले कहाँ किस ढाबे में थे? सर ढाबे में नहीं थे। नहीं मैं समझ गया आप ढाबे में थे कहीं। नहीं सर ढाबे में नहीं। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? सर होगा एक दो महीने का। एक दो महीने का? हाँ जी सर। अरे टोटल एक्सपीरियंस कितना है वाटर लाइन का? सर 22 साल। 22 साल है? इतना तो मेरे को भी नहीं हुआ। तो मतलब 22 साल तुम पैदा होते रोटी नान लगाने लग गए थे क्या? अरे सर मैंने सोचा कि होटल के बोल हमारा गांव का नाम होटल लाइन है। ओके एनीवे नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरे को रोटी नान सब आता है मेरे को। ये भगवान। अरे क्वालिफिकेशन 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 क्या है? अरे पढ़ाई लिखाई कितनी है? ओहो पढ़ाई लिखाई हुई है सर। आई एम बिंदास नो मैट्रिक पास। तो तभी मैं बोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काटना चाहिए घर पे घास और थोड़ा सा उधर उधर बैठ तुम पे हारी है बात। बात ओके एनीवे नो प्रॉब्लम इट्स नॉट ओके बट या इट्स ओके। तो मिस्टर आपको तंदूर में क्या चाहिए स्टार्टर आते हैं? सर तंदूर का है बड़ी कुकड़ी टिक्का। बड़ी कुकड़ी टिक्का ये क्या होता है? ये सर ये बड़ी कुकड़ी होती है ना पहले हम इसको ढूंगे से मारते हैं। हाँ जब ढूंगे से नहीं मारते हैं हाँ तो सारे घर के ही बड़ी कुकड़ी करते हैं। अब सब होता है गेस्ट आ गया उसने बोलो मेरे को बड़ी कुकड़ी कबाब खाना है। बड़ी कुकड़ी नहीं मारी ढूंगे से क्योंकि इतना निशाना तो तुम्हारा है नहीं तुम्हें देख के लग रहा है। तो तब क्या खिलाओगे तुम गेस्ट को? तो वही लाना पड़ेगा ना घर वाली कुकड़ी। अच्छा तो मतलब घर वाले का बड़े बन जाते हैं लिख लेना है। अच्छा तो और कुछ स्टार्टर? और पतीउड़ पतीउड़ कबाब। पतीउड़ कबाब? हाँ सर। ये क्या होता है? सर कुछ भी कबाब ले लो उसको ऐसे पत कर दो कुछ पत पत पतीउड़ कबाब पत पतीउड़ कबाब। हाँ तो मतलब कुछ भी देखो पत कर दे पत कर दे पतीउड़ हो गया पतीउड़ और उसके आगे रख दो कबाब। अच्छा जी सर। चलो ओके एनीवे नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर रमेश आपके हिसाब से एक पोर्शन चिकन टिक्का कितने ग्राम का होता है? जिस हिसाब से अगर वो मुर्गी जितने किलो की होगी उतने निकालूंगा सर। मतलब मुर्गी के हिसाब से आपका पोर्शन रहेगा? हाँ। अगर आपके पास कोई 10 किलो की मुर्गी पकड़ा दे आपको 10 किलो का एक स्टार्टर देंगे। हाँ जी वेरी गुड ऑल द बेस्ट। यस सर। तो इस हिसाब से तो मेरे को लगता है हमारा होटल जल्दी बंद हो जाएगा। खैर नहीं नहीं सर नहीं ताला लगवा देंगे। ताला लगवा देंगे और बंद नहीं करेंगे। तो मिस्टर रमेश तो जहाँ पहले थे वहाँ आपकी सैलरी कितनी थी? वहाँ सर 170 मतलब 17। अच्छा 17,000। मैं डर गया था इतनी तो मेरी भी नहीं है 1,17,000। वो सर मिस्टेक हो गया थोड़ा मैं इंग्लिश भी आती है थोड़ा थोड़ा पर। अच्छा अच्छा आई डोंट नो। कमिंग सर आई कमिंग। तो इधर तो आपके जैसे 14,000 है। हाँ जी। तो आप वहाँ 17 से यहाँ 14 में क्यों आए? वहाँ से हाँ वो सिचुएशन देख के आए सर। सिचुएशन तो वहाँ आपकी सिचुएशन कराते जी। कैसी वो सर? वहाँ पे सैलरी लेट मिलती थी। लेट बोले तो? बोले तो एक दो महीना। एक दो महीने बाद सर। तो वहाँ हेड सर कौन था? वो हमारा नवजोत सिंह सेंटर फ्रूट वाले। सेंटर फ्रूट वाले। अच्छा अच्छा नवजोत सिंह सेंटर फ्रूट वाले थे जी सर। तो अच्छे से काम करना इधर। हाँ जी सर अच्छे से ना ऐसे नहीं कि आप 2 दिन कर रहे हो फिर कहीं जंगल से भाग रहे हो कहीं ऑटो से भाग रहे हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सर ऊपर से भागूंगा। ऊपर से कहाँ से? नहीं कहीं नहीं सर वैसे। तो अच्छे से दिल लगा के काम करना। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है और ऊपर आपके मास्टर से सुमन सिंह कंडा से बैठे हैं। ठीक है ओके सर। तो अच्छा। उनके सबसे पहले चरण छूना वहाँ पे। ठीक है ओके ऑल द बेस्ट। ओके पहले मैंने खुद पकड़ना खुगड़ी का रखना।